हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत है। वहीं अब पूर्व सांसद राजन सुशांत भी कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। कर्मचारियों के समर्थन में राजन सुशांत ने शिमला में बुधवार को डीसी ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के समर्थन में राजन सुशांत ने शिमला में बुधवार को डीसी ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। राजन सुशांत ने कर्मचारियों के समर्थन में 3 मार्च को विधानसभा घेराव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे 3 मार्च को कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी कई सालों से ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने आ रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्रीय दल भी शामिल होंगे और पुरानी पेंशन बहाल की मांग की जाएगी। मैं आज शिमला में आया हूं। 1.5 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों की काला कानून रद्द करने की मांग गत कई वर्षों से चल रही है और पिछले 2 वर्षों से तो बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। इसके लिए मैंने 5 अगस्त 2020 को अपने एमएलए की पेंशन भी छोड़ रखा है और एमपी की पेंशन भी छोड़ रखा है और संकल्प लिया है जब तक हमारे 1.5 लाख एनपीएस के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी तब तक ये पेंशन मैं लूँगा नहीं। और फतेहपुर के अंदर भी हमने धरना दिया इस मांग के लिए। आज 340वां दिन है और आज हम यहाँ आए हैं। इस दौरान हम प्रदेश में भी जगह जगह सारे डिप्टी कमिश्नर्स के सारे SDMs के कार्यालयों में जाके मांग पत्र दे के आए हैं, धरने दे के आए हैं और कर्मचारियों ने भी इसी तरह से बड़े आंदोलन किए हैं। कर्मचारी भी सारे कार्यालयों में गए हैं, सभी विधायकों से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं और मुख्यमंत्री से भी कई बार मिले हैं, अपने मांग पत्र दिए हैं, लेकिन कोई असर हुआ नहीं है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 340वां दिन आज धरने का है। 3 बार मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से 100 मीटर दूरी से गुजर के गए हैं, उन्होंने मिलना वाजिब नहीं समझा। मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, को मिलता नहीं। मैं प्रदेश की जनता के आगे एक निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी मांगों के लिए धरना लगाने के बाद 4 बार MLA रहे, 1 बार MP रहे और 1 बार मिनिस्टर रहे, राजन सुशांत से मिलने के लिए भी ये सरकार अगर जरूरत नहीं समझती है, इतनी इनकी चमड़ी मोटी हो गई है, आंखें बैरी हो गई हैं, कान बैरे हो गए हैं, आंखें अंधी हो गई हैं, तो आम जनमानस की मांगों को कौन सुनता होगा। इतना अहंकार, इतना तानाशाही आ गई है और आज ये 25,000 कर्मचारियों ने, 30,000 कर्मचारियों ने विधानसभा के दौरान तपोवन में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनी नहीं, पद यात्रा पर निकले हैं। उनको सरकार ने सुनने के बजाय उनको धमकी दी कि अगर आप धरना देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे। और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं अगर सरल तरीके से बात करेंगे तो सुनूंगा, नहीं तो सुनूंगा नहीं। मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री जी, सरल तरीका कौन सा है? क्या वो आपके विधायकों के पास नहीं गए? क्या वो अधिकारियों के पास नहीं गए? क्या उन्होंने धरने नहीं दिए? और कौन सा सरल तरीका होता है? और आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप जो धमका रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री पर हंसी भी आती है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी संघर्ष किया नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपकी बदौलत नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और राजन सुशांत जैसे लोगों की वजह से है जिन्होंने इमरजेंसी में जेलें भुगती हैं, संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं। आ तो बनी बनाई मलाई खाने के लिए एक्सीडेंट से चीफ मिनिस्टर बने। अगर धूमल जी न हारते तो आप शायद मंत्री भी ना होते। अगर आपको मौका मिल ही गया है तो गरीब लोगों का भला करो। आपकी आंखों पर इतनी चर्बी चढ़ गई है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं आप, 4 महीने के बाद उतरना ही पड़ेगा। आपको उस दिन का याद करना चाहिए जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे और 4 सीटें आपकी होगी नहीं, तब आपकी जो दुर्दशा होने वाली है उसको देख के मैं कांप जाता हूं, आपको मालूम नहीं है। और ये चक्कर है, सत्ता का चक्कर जा रहा है, 6 महीने के बाद यहाँ और ही आने वाले हैं। और मैंने तो कहा हमारी सरकार आएगी, ये कांग्रेस वालों की तरह नहीं है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। 2 बार सरकार में रहे तो
पेंशन लागू नहीं करते हैं। आज जोर से कहते हैं आप नहीं करोगे तो हम कर ही देंगे, जैसे फ्रेंडली मैच में अब कंटेक्ट आ गया कि आप जा रहे हैं बीजेपी वाले, हम आ रहे हैं। जनता फ्रेंडली मैच को तोड़ेगी। इस बार हिमाचल में ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार हिमाचल में थर्ड अलायंस आ रहा है, वो मैंने अलायंस बना दिया है और अलायंस को बहुमत आएगा दिल्ली के पैटर्न पर। और मैं 2 घंटे के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा और पे कमीशन और कर्मचारियों की सारी मांगें पूरी करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।